अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरी। दोस्तों CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों खबर क्या है, रियल है खबर या फेक है खबर? खबर को ऐसे बताया जा रहा है दोस्तों कि NRC और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो देश में बवाल मचा हुआ है और NRC को लेकर हर राज्य के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है रात और दिन 24 घंटे कई जगहों पर। तो 24 घंटे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, महिला आंदोलन कर रही हैं इसके खिलाफ। सरकार की भी नींद उड़ी हुई है कि इस आंदोलन को कैसे रोका जाए। एक महीने से ज्यादा हो गया और आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर दोस्तों एक खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि CAA और NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और फैसला दिया है कि रोक लगा दिए इन दोनों चीजों पर। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये जो चीज है कि CAA और NRC पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से झूठ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को डेट दी है कि 22 जनवरी को हम इस मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। उस पर ये नहीं है कि रोक लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, पहले पूरी जानकारी लेगा, पूरे इस पर देखेगा ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है बिल, जब पूरी कार्रवाई होने के बाद इस पर फैसला सुनाएगा। ये नहीं कि 22 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट जिस दिन सुनवाई है उसी दिन फैसला सुनाएगा, आगे भी सुनवाई चलती चल सकती है और भी तारीखें दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि फेक न्यूज फैला रही है कि CAA और NRC को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और रोक लगा दी, जिससे जो आंदोलनकारी हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ जो सड़कों पर उतरे हैं वो सुनकर इस फेक न्यूज को वो प्रदर्शन बंद कर दे और कोई भी इसके खिलाफ आवाज ना उठे। तो मैं आपको बता दूं अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इस पर फैसला नहीं सुनाया, ये फर्जी खबरें उड़ाई जा रही है CAA और NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अगर जैसे ही इस पर कोई भी फैसला आएगा 22 जनवरी को, मैं आपको बताऊंगा क्या 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कहता है, नई तारीख देता है, इस पर रोक लगाता है, क्या करता है, मैं भी आपको उस पर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। पर आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिएगा। तो चलिए दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को सुनवाई होनी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए नहीं, इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।